अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करूँगी, प्ले बाय सेफोरा अक्टूबर 2019 का बॉक्स। मैं इस वीडियो को शॉर्ट ही रखूँगी और टू द पॉइंट ही रखूँगी। सो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। फाइनली ये खुल चुका है। सो इस दफ़ा का बहुत ही अच्छा कलर है, ब्लू, डार्क ब्लू सा, और इसमें सारे प्रोडक्ट हैं। मैं आपको इसका साइज़ दिखा दूँ। तो इस मंथ के बॉक्स में इंस्टेड ऑफ 50 पॉइंट्स, इसमें 20% ऑफ का ये कूपन आया है। किसी भी फाउंडेशन, टिंटेड मॉइस्चराइज़र, बीबी और सीसी क्रीम अगर आपने लेना है तो उसमें 20% आपको ऑफ मिलेगा। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मुझे मिला है वो मेकअप फॉरएवर का फाउंडेशन है, फुल कवरेज फाउंडेशन, और ये 5 ml में है, और ये मेरा ही शेड है Y315 मैट, इसकी फिनिशिंग है। और इसका जो पाउडर फाउंडेशन है मेकअप फॉरएवर का, वो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं रोज़ाना यूज़ कर रही हूँ और वो बहुत अच्छा है। सो लेट्स सी कि ये कैसा होगा। ये है बहुत ही थोड़ा, आई डोंट थिंक सो, ये 2-3 दिन ही बस, बहुत लाइट अगर लगाना हो तो यूज़ हो जाएगा। सो जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है अर्बन डिके का मेकअप सेटिंग स्प्रे, और ये बहुत ही फेमस सेटिंग स्प्रे है, सबको पता है कि बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, और काफ़ी इसके बारे में लोगों ने, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं असल में इसका ही अर्बन डिके का दूसरा यूज़ करती थी। सो ये 15 ml है, और इसके साथ इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। सो हर लैंग्वेज में, और ये कौन पढ़ता है। मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का सेटिंग स्प्रे, वो बहुत अच्छा है, वीगन है, और मतलब मुझे बहुत पसंद है, ये ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है। और जो थर्ड प्रोडक्ट है वो ये मोरक्कन ऑयल है, नाइट बॉडी सीरम, और इसके रिव्यूज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये जो है प्राइस वाइज ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, अगर ये मुझे पसंद भी आता है तो ये इम्पॉसिबल है कि मैं ख़रीदूँ। इसकी प्राइस है $62, और वो आई थिंक सो कितना ml था, ये जस्ट 4 ml है, और जो 100 ml है वो $62 है, बट इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। आई एम नॉट श्योर, मैं शायद यही यूज़ करूँ। फोर्थ प्रोडक्ट है वो टार्ट का रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, ये भी फाउंडेशन है, और ये वीगन है, और ये SPF भी है इसमें 15। और टार्ट का मैंने अभी तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया, और ये वाटर फाउंडेशन है। ये कितना ml, लेट मी चेक। सो ये जस्ट 5 ml है, और मैं ट्राई करूँगी कि इन्होंने मुझे एग्जैक्ट शेड भेजा है कि नहीं अकॉर्डिंग टू माय प्रोफाइल। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे 2 फाउंडेशन, और आगे अब क्या। सो जो फिफ्थ प्रोडक्ट है वो मुझे मिला है स्मैश बॉक्स का, अ फोटो फिनिश स्मूथ एंड ब्लर प्राइमर। अगेन प्राइमर, मुझे पिछली दफ़ा सितंबर बॉक्स में भी प्राइमर ही मिला था और मैंने अब तक वो नहीं यूज़ किया। सो ये कितना, सो ये है 7.1 ml। सो जो सिक्स्थ एंड लास्ट प्रोडक्ट है वो ब्यूटी ब्लेंडर का फाउंडेशन है, लॉन्ग वेयर फाउंडेशन, और ये शेड है 3.25, बट आई एम नॉट श्योर कि मेरा ही शेड है। 3.25 लुक्स लाइक दिस, ये मेरा नहीं है। सो इस सैम्पल साइज़ है,
और शायद वन टाइम यूज़ के लिए है या टू, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ही लाइट कवरेज चाहिए। सो बेसिकली जो इस मंथ का सेफोरा प्ले है वो बहुत ही बकवास है, जो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। और जो इन सब प्रोडक्ट्स में सबसे अच्छा कलर इसका है, सो ये है सबसे अच्छा इस बॉक्स में। सो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। द रीज़न इज़ मेरे पास ऑलरेडी फाउंडेशन है, पाउडर भी है, लिक्विड भी है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुझे हैरत है कि मैं एक ही मंथ में 3 डिफरेंट फाउंडेशन मुझे मिली है और मुझे ट्राई करनी है। और इसका साइज़ अच्छा है, मुझे लग रहा है ये कुछ दिनों तक यूज़ होगा। और वैसे मुझे ये चाहिए नहीं था क्योंकि मुझे एक गिफ्ट सेट पसंद आया था, मैंने सोचा था कि मैं वो लूँगी, उसमें ऑलरेडी ये था। सो अब मैं बहुत अच्छी इसकी प्राइस थी और 9 डिफरेंट चीज़ें थी, साथ एक फुल साइज़ प्रोडक्ट था। मेरा ख्याल था कि मैं उसी से मैं यही यूज़ कर लूँगी, बट वो मुझे इसमें मिल गया है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है। सो इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, इसके तो ऑलरेडी सब लोग को पता है और इसका मुझे ऑलरेडी आई एम श्योर कि ये अच्छा होगा। ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने नहीं यूज़ किए, मतलब मुझे इनका इस ब्रांड का नहीं पता, बट ये वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है एंड प्लस SPF है, सो इसकी तो ये अच्छा है, मुझे ये अच्छा लगा है। और स्मैश बॉक्स का प्राइमर भी बहुत छोटा सा है और ऑलरेडी मेरे पास प्राइमर है, लेकिन खैर मैं ये ट्राई करूँगी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये किसने ये सिलेक्शन की है, मतलब ऑलरेडी आपके पास होता है फाउंडेशन या BB क्रीम और आप 3 और लेते हैं और इसके बावजूद दे सेंड यू 20% कूपन कि आप वो यूज़ करो जस्ट ऑन फाउंडेशन, नॉट एनीथिंग एल्स। तो आप ये ना भेजते, इसकी ज़रूरत ही ना होती कि ये ना ही भेजते। मेरे पास ऑलरेडी बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन है, लिक्विड फाउंडेशन और मेकअप फॉरएवर का पाउडर फाउंडेशन है, सो मैं मोस्टली पाउडर फाउंडेशन ही यूज़ कर रही हूँ और बेयर मिनरल्स का भी पाउडर फाउंडेशन है, सो इसकी फिर ज़रूरत नहीं थी। ये इसके साथ है, सो दिस वन इज़ द बोनस प्रोडक्ट इनसाइड। और ऑब्वियसली ये सबको पता है कि ये अवार्ड विनिंग है, लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर तक 2 साल से बहुत ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा है और इसके रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं। और ये एक्सक्लूसिवली चूजन फॉर माई स्किन टोन, मैंने गलती ये की है कि मुझे अपनी प्रोफाइल लास्ट मंथ एडिट नहीं करनी चाहिए थी, सो 3 फाउंडेशंस, इट्स लाइक टू मच। सो मैं और बुराइयाँ नहीं कर सकती प्ले बाय सेफोरा के बारे में क्योंकि मेरा बेटा आ चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोग ने भी प्ले बाय सेफोरा ज्वाइन किया तो अपने प्रोडक्ट्स नीचे मेंशन कर दें कमेंट्स में कि आप लोग को क्या मिला है इस मंथ। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।